जा रे जा दिल रूबा जा रे जा तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग अब है दोनों की मंजिल जुदा अलविदा डार्लिंग अलविदा अलविदा डार्लिंग अलविदा झूठे वादे थे तेरे तेरी झूठी थी कसम चलो अच्छा ही हुआ मेरा टूटा ये भरम खूब तूने दिया प्यार का ये सिला खूब तूने दिया प्यार का ये सिला मुझको आखिर ये कहना पड़ा अलविदा डार्लिंग अलविदा अलविदा डार्लिंग अलविदा अरे मीरा तुम यहाँ सवेरे सवेरे बैठिए बैठिए मिसेस खोटे आराम से बैठिए इसे अपना ही केबिन समझिए समझने की क्या जरूरत है मीरा ये तो है ही अपना ये क्या है मिसेस खोटे ये डिवोर्स की नई फाइलें हैं इस शहर का हर दूसरा कपल जो है ना डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है पता नहीं क्या होगा इस शहर का और ये सबसे ऊपर वाली फाइल देख रही हो तुम ये उन साहब की है जिनकी शादी अभी हुई भी नहीं है और वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करके रख रहे हैं सेफ्टी से जैसे आग लगने से पहले ही फायर ब्रिगेड को बुला के रख दिया हो अगली परीक्षा तो मुझे देनी पड़ रही है 7000 केसेस आपके पास ऑलरेडी पेंडिंग है ऊपर से आपने 50 नए केसेस ले रखे हैं और वो भी खुद जाकर जाना पड़ा क्योंकि मेरा पियोन जो है ना वो अपना डिवोर्स केस लड़ने गया हुआ है वो कहीं भी जाए हमें उससे क्या आपको पहले पुराने केसेस सल्टाने चाहिए फिर नए केसेस लेने चाहिए इसलिए हमारे केस को इतना वक्त लग रहा है राहुल और मैं लड़े झगड़े आपने तलाक नहीं दिया हम साथ साथ रहे फिर भी आपने तलाक नहीं दिया अब तो राहुल भाग गया है और अभी आप तलाक नहीं दे रहे हैं देखो पिछले 40 हफ्तों में मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि तुम्हारी और राहुल की बन नहीं सकती तो डिवोर्स तो मुझे देना ही पड़ेगा क्या सच देखो मैं उतनी बेवकूफ हूँ नहीं जितनी शक्ल से लगती हूँ समझे थैंक गॉड आपने अपने आप को सही तो पहचाना है क्या कुछ नहीं कुछ नहीं अब बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट गवर्नमेंट हाँ ये मेरे और राहुल के बीच में गवर्नमेंट कहाँ से आ गई ये देखो सर्कुलर आया है पढ़ो इसे ठीक है आप ही पढ़िए और मुझे बताइए ये सरकारी लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आती है ठीक लो मैं पढ़ती देखो इसमें लिखा है कि 10 तारीख के बाद यानी कि 10 तारीख जो गुजर गई है उसके बाद मैं जो भी डिवोर्स पेपर साइन करूं उसके साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच होना बहुत जरूरी है कि ये कपल मेंटली बिल्कुल फिट है मेंटली फिट मतलब ये कि दिमागी तौर से एकदम फिट सही गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया क्या वो तो बहुत पहले ही हो गया था लेकिन सर्कुलर अब आया है जब आपके हाथ खुले थे आपने कौन सा तीर मार दिया था खैर अब बताइए मुझे करना क्या है और ये मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट देगा कौन ये लो गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्टर चंचल चोपड़ा ये लो डॉक्टर चंचल चोपड़ा ये मिस्टर है या मिसेस वो तो मुझे नहीं मालूम लेकिन दोनों के लिए चलेगा डॉक्टर चंचल लो भाई एक और पेशेंट मैं पेशेंट नहीं हूँ यहाँ कोई भी पेशेंट नहीं है सब इम्पेशेंट है हमारी बीमारी है तलाक और दवाई है फिटनेस सर्टिफिकेट जो इस डॉक्टर के पास है बस उसी के लिए बैठे मतलब अब तक डॉक्टर आए नहीं आएंगे आएंगे गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्टर है ना आप भी तलाक ले रही है क्या क्यों नहीं आपकी शक्ल से लगता है कि आप अभी तक कुंवारी है वैसे आपके पति आपसे क्यों तलाक ले रहे हैं उन्हें मेरी तरह सीधी सादी बेबी नहीं चाहिए थी एक फुलझड़ी चाहिए थी इसकी तरह तो उसे आना चाहिए था ना सर्टिफिकेट लेने तू क्यों आई कैसे नहीं आती मेरा भी तो चक्कर चल रहा है
एक सीधे साधे आदमी के साथ? पहले ही तलाक लेना कम मुश्किल था, ऊपर से नया लफड़ा डाल दिया फिटनेस सर्टिफिकेट का। फिर क्या, हम पागल थे जबकि हमने शादी की और अब हम ठीक हो गए इसलिए तलाक मांगने आए, तो हो गया ना फिटनेस सर्टिफिकेट। ऐसा ही है दोस्त, शादी करना आसान है तलाक लेना मुश्किल है। हाँ। मेरे दादा सही कहते थे। क्या? यही कि बेटा जिंदगी में दो कामों से बच के रहना, एक तो शादी और दूसरा तलाक। तो तुम बचे क्यों नहीं? कैसे बचता, बूढ़ा मरते मरते खुद मेरी शादी करवा गया। अब आइए जी, लेकिन डॉक्टर ये सब पेशेंट्स मत समझिए। अरे इनकी चिंता मत कीजिए, आप आइए आइए। आइए आइए। हाँ तो कहिए मिसेज मीरा। पहले आप देखिए अपनी घड़ी, देखिए क्या वक्त हो रहा है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो क्या कभी भी आएंगे? माय गॉड, ये औरत है या तूफान में? एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, नोट कीजिए नोट कीजिए, कंप्लेंट बाय पब्लिक, और कल से समय पे आया कीजिए। ठीक है आऊंगा। लेकिन आपने एक बात कंसीडर नहीं की मीरा, मैंने आपको आते ही भीतर बुला लिया ना। ये भी गलत बात है, बाकी लोगों के साथ ना इंसाफी, आई डोंट लाइक दिस। ये देखिए ये मेरा केस नंबर, ये डिटेल्स, अब मुझे जल्दी से मेरा मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट दे दीजिए। अरे मुझे पहले चेक तो करने दीजिए। चेक? एक मेल होकर फीमेल को चेक करेंगे आप? हाथ तो लगाइए, हाथ तोड़ दूंगी आपके। रिलैक्स, आपने बाहर बोर्ड पे डॉक्टर का नाम देखा है, पैटाइम देखा, लेकिन डिग्री देखी, क्वालिफिकेशन देखी? नहीं देखी। अरे देखनी चाहिए थी। क्यों? ये कोई जनरल डॉक्टर का बोर्ड नहीं है, ये एक साइकेट्रिस्ट का बोर्ड है, और साइकेट्रिस्ट पेशेंट को बातचीत के जरिए ही चेक करते हैं। कैसी बातचीत, कैसा पेशेंट? मैं आपसे 10 मिनट से बात कर रही हूँ। अच्छा 10 मिनट हो गए? कर रही हूँ ना। हाँ हाँ। मैंने आपको पत्थर मारा, गाली दे दी, आपका कॉलर पकड़ा? नहीं 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 नहीं। इसी का मतलब मैं पागल नहीं हूँ, यही चेक करना चाहते हैं ना आप, तो देरी किस बात की? अरे ये बार बार लिखते क्या जा रहे हैं, मुझसे बात कीजिए। अरे ये डिसीजन का तरीका है, जजमेंट का तरीका है, आपको थोड़ा कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। ओके, जहाँ 40 हफ्ते देर हुई है वहाँ 4 घंटे और सही। वैसे भी आप सारे मर्द एक जैसे होते हो, औरत को कभी समझते नहीं, कोऑपरेट करना तो दूर की बात। अच्छा आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? मैं झट से मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट दे देती और कहती जाओ तलाक ले लो। शायद मैं भी ऐसा करूं, पर थोड़ी देर के बाद। अब क्या है ना मीरा जी, पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ कॉफी अच्छी मिलती है, चलेंगी? रेस्टोरेंट में आपके साथ? वो क्यों? आपसे बातें कर लूंगा, फिर फौरन आके आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा। आप डरिए मत, लगता है आप इस तरह के अस्पताल में शायद पहली बार आई हैं। अब हम लोग पेशेंट को इसी तरह अटेंड करते हैं। डोंट कॉल मी अ पेशेंट, और मैं आपसे डरती नहीं हूँ। चलिए किस रेस्टोरेंट में चलना है, चलिए चलिए। मीरा जी मैं अपना पैड ले लूं। जल्दी। कॉफी पीने और कहाँ? लेकिन ये औरत इस डॉक्टर के साथ कहाँ गई यार? मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, बल्कि इसी के वजह से वो तलाक ले रहे होंगे। कितना घटिया रेस्टोरेंट है ये, पानी गिर रहा है मेरे साड़ी पे, छी साड़ी गीली हो रही है। I'm sorry, sorry मीरा। आपके सॉरी कहने से मेरी साड़ी सूख तो नहीं जाएगी ना? क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी तो बूंदे हैं। अच्छा आप कुछ खाएंगी? नहीं, कॉफी पीऊंगी। बेटा मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना देना। दो कॉफी ले आना प्लीज। अच्छा जरा जल्दी पूछिए जो पूछना है। अच्छा ये बताइए कि आप तलाक क्यों लेना चाहते हैं? इस सवाल का मेरे मेंटल फिटनेस से क्या संबंध है? अरे बहुत जरूरी है ये सवाल। हमारे विचार नहीं मिलते, आई डोंट लाइक हिम, और क्या? नहीं पर आपको ऐसा नहीं लगता मीरा कि आपको ये ख्याल बहुत देरी से आया? आई मीन शादी के इतने साल बाद और वो भी दो बच्चे होने के बाद। देखिए आदमी को अपनी गलती का एहसास कभी भी हो सकता है, मुझे अब हुआ और क्या। अच्छा मीरा आपके पति कैसे इंसान? कैसे का क्या मतलब, आम इंसानों जैसे हैं? नहीं नहीं मेरा मतलब उनमें कोई बुरी आदतें, शराब सिगरेट जुआ, किसी गैर औरत से संबंध? नहीं सिगरेट शराब तो नहीं, और गैर औरत से दोस्ती के लिए
स्मार्ट होना जरूरी है जो वो नहीं है। तो आपके नजरिए में स्मार्ट की क्या परिभाषा है? आई मीन अगर मैं आपसे शादी कर लूँ, मान लो अगर मैं आपसे शादी करूँ तो आप मुझे स्मार्ट समझेंगी या बेवकूफ? आप क्या कहना चाहते हैं? मानने में क्या हर्ज है? मतलब क्या मान लूँ आपकी ये पूछताछ तो मुझे पागल कर देगी। मतलब आप ये मानती हैं कि आप में पागलपन के गुण मौजूद हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना घर संभालती हूँ, अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, जॉब करती हूँ, बस अपने पति से थोड़ी सी बोर हो गई हूँ और क्या। आज के बाद आपने अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचा? लुक, आई एम अ प्रैक्टिकल लेडी, रेत पर महल नहीं बनाती। पहले आप ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दें, तलाक हो जाए, फिर बच्चों के बारे में डिसीजन ले लेंगे। पर मेरा, राहुल और मैं दोनों कमाते हैं। What's the problem? पर बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए, उसका क्या होगा? ओहो, हमारे बच्चे इतने छोटे भी तो नहीं है, और हम दोनों रहेंगे भी तो इसी शहर में ना, वो हम दोनों आपस में एडजस्ट कर लेंगे। कमाल है, सर्टिफिकेट आप मुझे देंगे लेकिन माँ बाप बच्चे सबको लपेट रहे हैं। अच्छा, आपको कॉफी कैसी लगी? सच कहूँ, एकदम थर्ड क्लास। यदि मेरा आपके साथ काम नहीं होता ना तो मैं ये कभी नहीं पीती। इतने टिप? क्यों? क्या फर्क पड़ता है? आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वेटर्स की साइकोलॉजी खराब कर रहे हैं आप। 50 रुपए बहुत होते हैं, इन्हें यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, मुफ्त में नहीं काम करते ये। चलो यही सही। हाँ, that's better. अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, दूसरी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? दूसरी शादी? नेवर। सब मर्द एक जैसे होते हैं, उन्हें स्मार्ट, खूबसूरत, पढ़ी लिखी बीवी तो कभी भी पसंद नहीं है। उन्हें एक गुड़िया चाहिए अपने इशारों पर नाचने वाली, जो मैं नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच, अब चले? हाँ हाँ, जल्दी, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या देख रही हो? कैसे लापरवाह लोग हैं, दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर डिवोर्स, इन्हें नींद भी आती है। हाँ, देखो तो, सोने दो इन्हें। आओ आओ। क्या बोली है औरत, हम लोग सीरियस नहीं है क्या? सीरियस तो ये होगी भीतर जाके। चलो आ गया इसका। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल कीजिए। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल कीजिए। तो वह कौन था? मेरी बीवी थी, और कौन? ओके मिसेस मीरा, हम आपका सर्टिफिकेट आपको बहुत जल्दी दे देंगे, प्लीज रिलैक्स। लेकिन गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रेम, मैंने तुमसे कहा था कि आज मैं लेट आऊंगा। इसलिए मैं जल्दी आ गया सर, एक पेशेंट भी अटेंड कर ली। मुझे पेशेंट मत कहिए। सॉरी, एक एप्लीकेंट भी अटेंड कर ली सर। तुमने क्या चेक किया? जो आपने सिखाया सर। कुछ नोट किया? हाँ सर, ये रहा। आपके असिस्टेंट ने मेरा काफी वक्त खराब किया है, मुझे जल्दी से सर्टिफिकेट दे दीजिए। 5 बजे मिसेस खोटे जाने वाली है और ये सर्टिफिकेट मैं उन्हें आज ही देना चाहती हूँ। एक मिनट मिसेस मीरा, पहले मैं इनसे बात तो कर लूँ। प्रेम, तुमने जो कुछ भी लिखा है उसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या? सर टोटली इललॉजिकल है। हां मतलब सर, ये इल है और ये मेरा लॉजिक है, तो हो गया ना इललॉजिकल। अब शुरू से एसेस करें। सर पहली बात, जो आदमी ने लाइन तोड़कर अंदर ले आया उसे ही उपदेश देने लग गई, यानी कि एहसान फरामोशी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज आप चुप रहिए, हम आपका नेचर और दिमागी हालत समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ो प्रेम। सर फिर बैठते बिना बात के सर्टिफिकेट मांगा, यानी कि इनमें पेशेंस नहीं है, और ये तो ऐसे बात कर दी जैसे मेरा काम है और मैं इनके पास आया हूँ। वो तो मैं, प्लीज प्लीज चुप रहिए। हाँ प्रेम। सर फिर हाथ लगाने को भी मना किया, यानी डॉक्टरी पेशे पर शक सर, जबकि मैंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया था, यानी इन्हें अपनी सुंदरता का भी घमंड है सर। सारे मर्दों के खिलाफ बोल रही थी सर, लगता है इनके दिमाग में कोई ग्रंथि है जो मर्दों के खिलाफ है। ये भी भूल गई कि इनके भाई और इनके पिता एक मर्द है, शक्की मिजाजी है सर। कॉफी के लिए ऑफर किया तो फ्रेंडली नहीं, मेरे साथ सिर्फ इसलिए होली ये दिखाने के लिए कि मैं नीडर हूँ, बहुत और कॉन्फिडेंट है सर। रेस्टोरेंट में मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया तो ये लाल पीली हो गई। ऐसी बातें तो कभी कभार होती है ना सर, कवर अप कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं सर, शी इज वेरी एंग्री, बहुत गुस्से वाली है सर। सर अपने पति को स्मार्ट नहीं समझती, और सबसे जरूरी बात यह सर कि अपने बच्चों के कैरियर का इनको जरा भी ख्याल नहीं, कहती कि तलाक के बाद देख लूंगी, ये तो मेजर इश्यू है सर, सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। यू आर राइट, और कुछ?
और सर ये रहम दिल भी नहीं है, बेचारे वेटर की टिप कटवा दी। बताइए ये कोई बात होती है? हाई क्लास सोसाइटी के सपने देखती हैं सर, इतनी अच्छी कॉफी थी, वरना मैडम ने अपने लिए एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कॉफी मंगवाई है। थोड़े से मैं सेटिस्फाइड होने वाली नहीं है सर, शी इज वेरी ग्रीडी, वेरी एंबिशियस सर। आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं मेरा, हम तो आपको एसेस कर रहे हैं, यही हमारा तरीका है। आप खुद ही सोचिए, प्रेम ने जो कुछ भी कहा वो गलत है क्या? मुझे आपके असिस्टेंट पर भरोसा नहीं, मेरा केस आप खुद देख लीजिए, पूछिए जो पूछना है। ये मेरा असिस्टेंट नहीं है, ये डॉक्टर भी नहीं है। What? तो ये है कौन? ये मेरा पेशेंट है प्रेम, लंबे अरसे से मिलने आता था। किसी ने उसके दिमाग में ये बात भर दी थी कि उसकी बीवी बहुत ही पुराने ख्यालों की सीधी साधी गरीब है, और ये उसे मारने के ख्याल में लगा था। क्या? नहीं। डरिए मत मीरा जी, जो काम डॉक्टर चोपड़ा महीनों में नहीं कर पाए वो आपसे मिलकर एक दिन में हो गए। दरअसल आपको मिलने के बाद ये बात मेरे खोपड़ी में अच्छी तरह घर कर गई कि मेरी बीवी सीधी सरल और भोली वाली सही, लेकिन आप जैसे औरतों से लाख गुना अच्छी हैं। प्रेम। यस सर। सर, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, अगर आऊँगा तो ही अपनी बीवी गायत्री को लेकर आऊँगा आपसे आशीर्वाद लेने। ये क्या है? सर इससे आप एप्पल काट के खाइए, उम्मीद है कि मुझे इसकी अभी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। रिलैक्स रिलैक्स मिसेस मीरा, रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? आपका ये पेशेंट मेरा ऐसा पोस्टमार्टम करके चला गया है कि अब आप मुझे सर्टिफिकेट तो देंगे नहीं, ऊपर से कह रहे हैं रिलैक्स। ये तुमसे किससे कहा बेटी? प्रेम ने तुम्हारी पर्सनालिटी और नेचर के बारे में बातें की, लेकिन उससे कहीं ये साबित नहीं हुआ कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। होती है अपनी अपनी सोच, तुम जैसी भी हो फिटनेस सर्टिफिकेट डिजर्व करती हो। मैं खुद तुम्हारा फिटनेस सर्टिफिकेट बनाकर दे रहा हूं। सच डॉक्टर? ये रहा। थैंक यू डॉक्टर, मैं इसे पढ़ सकती हूँ? नहीं, सिल बंद कवर हम खुद जज के ही नाम पे देते हैं, वो खुद ही पढ़ेगी और तुम्हें सुनाएगी। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट इंपेशेंट, ये लो। नेक्स्ट। अरे मीरा, तो इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, ऐसा लगा जैसे महीनों लग गए। क्या हुआ, काम बना, रिपोर्ट मिली? अरे काम कैसे नहीं होता, रिपोर्ट लेने मीरा गई थी, राहुल नहीं। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, लोग तो 10-10 दिन चक्कर लगाते हैं, तुम तो एक ही दिन में। मैं लोगों में नहीं मिसेस खोटे, मैं कुछ अलग हूँ। ये लीजिए रिपोर्ट। ओके, देखो। जरा अपनी जल्दी फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट कीजिए। क्या हुआ, मेरे खिलाफ तो कुछ लिखा नहीं है ना? नहीं नहीं, खिलाफ तो नहीं लिखा है, इतना अच्छा लिखा है कि बस। कि क्या? अभी पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, जज साहिबा, मिस मीरा को भेजने के लिए धन्यवाद, वो एक पढ़ी लिखी समझदार इंटेलिजेंट एम्बिशियस मॉडर्न लेडी है, इतनी समझदार कि मेरा एक पेशेंट प्रेम गुलाटी जो 3 साल से अपनी बीवी के मर्डर की प्लानिंग कर रहा था, उसे भी मीरा ने 1 घंटे में ठीक कर दिया, वो अपना चाकू तक मुझे दे गया और कसम खाकर गया है कि वो अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहेगा। जज साहिबा, आपकी जो एप्लीकेंट 1 घंटे में एक आदमी के साथ इतनी खूबसूरती से हैंडल कर सकती है, तो वो फिर से अपनी बीवी के पास लौट जाता है, तो क्या वो अगर चाहे तो अपने पति को इस तरह से टैकल नहीं कर सकती कि दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो जाए और एक तलाक होते होते रुक जाए? प्लीज़ मिसेस मीरा के केस में जल्दबाजी मत कीजिए, इन्हें एक मौका और दीजिए। नहीं, ये क्या लिख दिया इस डॉक्टर ने? इतना अच्छा लिख दिया मीरा कि तुम्हारे खिलाफ हो गया, तुमने मेरे हाथ फिर से काट दिए मीरा।
अरे एक डॉक्टर जब तुम लोगों को अलग नहीं कर सकता तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि तुम अपने पति राहुल से कहो अलविदा डार्लिंग। जा रे जा दिल रुबा जा रे जा, जा रे जा दिल रुबा जा रे जा, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग।